देखो कुछ ही देर में कंस की झांकी आने वाली है मुष्टिक चारूर की। समय का इंतजार है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के बाद। और वो कंस कहां है उसे टंगवा दो आप मेरे भैया। राधा ललिता सीला सुषमना कहने लगी हैं, हम समझ गए श्याम तुम क्यों जा रहे हो कि यहाँ घास फूस की झोंपड़ियन में रहनो पड़े और आयो नहीं अमीरन के अटायो रो अटारी है। अरे श्याम यहाँ साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को और वहाँ भोजन बनाती वो सुंदर नारी है। लेकिन रहो बिहारी जहाँ रहे की इच्छा तुम्हारी और लेकिन ये गोपियाँ प्रेम की पुजारिन है। लेकिन ये गोपियाँ प्रेम की पुजारिन है। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियाँ धीरज रखो, मैं परसों लौट करके आएंगे। समझाने के बाद में और जिस वक्त चले हैं, जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक तो कन्हैया को देखती रही गोपियाँ, और जब रथ की धूल दिखाई ना तई सोई बोली ललिता चले हैं रथ जिस वक्त भगवान कन्हैया का। कहाँ पहुंच गए यमुना मैया के किनारे पर अक्रूर से एक बात कही है, चाचा अक्रूर हमें स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अक्रूर कहने लगे ठीक है। अक्रूर के मन में ये तमन्ना है कि कंस कन्हैया को मार देगा, तो अक्रूर रथ पर बैठे हैं। क्या देखा है कि जल में कन्हैया और रथ में कन्हैया, बाहर कन्हैया और भीतर कन्हैया, चारों तरफ जब देखो है तो कन्हैया ही कन्हैया। अक्रूर जिधर नजर घुमाते हैं बस उधर ही भगवान कन्हैया नजर आते हैं।